नमस्कार प्रिय साथियों, मैं गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राशि रत्नों की दुनिया का काला सच। राशि रत्न खरीदते समय जानकारी के अभाव में आपको कैसे उल्लू बनाया जाता है, किस प्रकार रिजेक्टेड रत्न जो रिजेक्टेड स्टोन हैं वह आपको भेंट दिए जाते हैं, आपको छोटी मोटी कमियों का पता नहीं लगता और छोटी मोटी कमी रत्न के अंदर हो तो प्राइस में अंतर आ जाता है 20 से 30 हज़ार रुपये का। 2-4 हज़ार रुपये का अंतर तो छोटी सी कमी में ही आ जाता है जो पकड़ ही नहीं पाता आम आदमी अपनी आँखों से। पूरी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अच्छी श्रेणी के गवर्नमेंट लैब सर्टिफाइड राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए साथियों विषय में आगे बढ़ते हैं। मान लिया आपको कोई पुखराज खरीदना है, फॉर एग्जाम्पल वह पुखराज बहुत ज़्यादा चमकदार है, कलर बहुत बढ़िया है और आपको बेचने वाले ने उसकी गवर्नमेंट लैब भी करा दी, IGI भी करा दी, कीमत उसकी मार्केट वैल्यू 50 हज़ार रुपये है। अब वह पीछे की तरफ से टूटा हुआ है थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, सुई की नोक से भी थोड़ा कम। जब कई कई बार उसमें नाखून चलाएंगे तब पता लगेगा और वह पकड़ में आने वाला है नहीं नॉर्मल आदमी की। इतने में ही 15 से 20 हज़ार का अंतर आ जाएगा, क्योंकि जहाँ से वह रत्न टूटा हुआ है अगर व्यापारी उसकी घिसाई कराएगा 1.5-2 कैरेट माल कम हो जाएगा तो प्राइस अपने आप नीचे आ जाएंगे। तो जब भी रत्न खरीदो तो उसमें टेबल पर दाएं बाएं आगे पीछे स्क्रैच नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा धोखा खाता है ग्राहक राशि रत्न खरीदने में। आपका रत्न ओरिजिनल है, उसकी लैब हो चुकी, सारी बात ठीक है, कीमत ठीक है, लेकिन छोटी सी कमी जो आपकी पकड़ में नहीं आ रही वह खंडित रत्न आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा भी नहीं करेगा। और वह खंडित रत्न जो है अगर घिसाई विसाई उसकी करवाओगे आप तो 10-20 हज़ार रुपये ख़त्म आपके। दूसरी बात, यदि आपका रत्न आउट कलर है, आपने नीलम खरीदा, वह नीले रंग से किधर भी थोड़ा ग्रीननेस में, येलोनेस में, वाइटनेस में किधर भी थोड़ा जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी कीमत में भारी गिरावट आ जाती है। लेकिन चमकदार बहुत है, लाइट बढ़िया है, नेचुरल है, असली है, लैब टेस्ट हो चुकी है, आप भरोसे में आ गए, लेकिन वो जो आउट कलर वाली फीलिंग है नीला भी है लेकिन नीले से थोड़ा सा साइड में चला गया हल्का सा, आपकी आंखें उस चीज़ को नहीं पकड़ पाई तो कहीं ना कहीं उसकी कीमत में भी भारी गिरावट आ जाती है। इसको बोलते हैं रिजेक्टेड स्टोन। इंटरनेशनल जब डीलिंग होती है तो ये रिजेक्टेड चीज़ें होती हैं पूरी तरह से। नंबर 3, आपने रत्न खरीदा, उस रत्न के अंदर कहीं कोने में बहुत छोटा सा नीला पीला काला दाग है। मान लिया आपने पुखराज खरीदा, उसके अंदर गुलाबी कलर का कोई छोटा सा धब्बा है, या आपने कोई और स्टोन खरीदा उसमें पन्ने के अंदर काले धब्बे होते हैं तो वह रत्न भी हार्ट को प्रॉब्लम करता है रत्न शास्त्र के अनुसार। और इंटरनेशनल डीलिंग जब होती है व्यापारियों की, भले ही आपका स्टोन कितना भी महंगा है, 2-2.5 लाख का भी है, लेकिन रिजेक्टेड स्टोन की श्रेणी में ही आता है और जानकारी के अभाव में ग्राहक का उल्लू बन जाता है। साथियों, मेरा भी राशि रत्नों का ही कारोबार है, मैं भी अपना घर परिवार राशि रत्न बेचकर ही चलाता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि किसी के साथ गलत ना हो। जितना पैसा आपने खर्च किया उतने का आपको सामान मिलना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार की यूजफुल नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।